ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, और इस बार वो जो है एक स्ट्रिंग यूज़ करेंगे एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट व्हेन द ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45 एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट देयर 3 inches beyond what was possible for him to reach, और वो इस एंगल पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पे पहुंचना उनके लिए मुश्किल है. द स्ट्रिंग वुड स्लिप, और जो स्ट्रिंग है वो स्लिप हो जाएगी, गिर जाएगी. एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन टू द पियानो, और वो किसके ऊपर गिरेंगे, पियानो के ऊपर. ही रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट, और फिर एक जो है अच्छा सा म्यूजिकल इफेक्ट आएगा बींग प्रोड्यूस बाय द सडननेस विद विच हिज हेड एंड बॉडी स्टक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम. और फिर वो पियानो के ऊपर गिरेंगे और अजीब सी साउंड जो है वो उसके अंदर से निकलेगी, ठीक है. एंड आंट मारिया वुड से शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड अराउंड एंड हियर सच लैंग्वेज. वो कह रही हैं कि मैं बच्चों को यहाँ पे खड़ा करके ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनाऊंगी जो कि यूज़ हो रही है. एट लास्ट अंकल पॉटगर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट एंड विद हिज लेफ्ट हैंड एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड एंड विद द फर्स्ट ब्लो ही वुड स्मैश हिज थंब एंड ड्रॉप द हैमर विद अ येल ऑन समबडीज टोज. अब फिर वो दोबारा से जब लगाने की कोशिश करेंगे सारा कुछ नेल वगैरह रख के, और जब वो हैमर को यूज़ करेंगे तो वो अपने ही जो है ना थंब के ऊपर मार देंगे और फिर वो चिल्लाएंगे और वो जो हैमर है वो नीचे गिर जाएगा किसी के टो के ऊपर. आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम दैट अंकल पॉटगर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल शी होप ही वुड लेट हर नो इन टाइम सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट टू गो एंड स्पेंड अ वीक विद हर मदर वाइल इट वॉज बींग डन. अब वो कह रही हैं कि नेक्स्ट टाइम वो मारिया उनकी जो वाइफ है वो कह रही हैं कि पहले ही मुझे बता देना कि अगर आपने जब हैमर यूज़ करना या नेल लगानी है तो एक हफ़्ता पहले ही बता देना ताकि मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊँ जब तक कि ये एक नेल जो है वो दीवार के अंदर लगती है. ओ यू वुमन यू मेक सच अ फस ओवर एवरी थिंग, अंकल पॉटगर वुड रिप्लाई पिकिंग हिम सेल्फ अप व्हाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट. वो कह रही कि तुम जो हर चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हो, मैं क्यों इतनी छोटे सा काम करने के लिए मैं क्यों इतना छोटा सा काम करूँगा. एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई एंड एट द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट एंड अंकल पॉटगर बी प्रेसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विद फोर्स नियरली सफिशेंट टू फ्लैटन हिज नोज. अब फिर दोबारा से वो कोशिश करेंगे और देखेंगे वो वहाँ पर क्या होता है. देन वी हैड टू फाइंड द रूल एंड द स्ट्रिंग अगेन एंड अ न्यू होल वॉज मेड एंड अबाउट मिड नाइट द पिक्चर वुड बी अप वेरी गुड एंड इनसिक्योर द वॉल फॉर यार्ड्स अराउंड looking as it is it if it had been smoothed down with a rack and everybody dead beat and wedged except uncle Pulgar. At the end aakhri raat ke aakhri pehar mein ja ke wo kahin pe lag jayegi aur phir jab usko niche utar ke dekhenge to aisa lagega kyunki wahan pe kisi ko zalzala aaya itna zyada wahan pe ajeeb sa bana hoga और सारी दीवार भी ख़राब हुई होगी. लेकिन जो अंकल पॉटगर हैं वो खुश होंगे और बाकी सब जो हैं वो ऐसे ऐसी सांस लेंगे जैसे कि मुसीबत भी सर से उतर गई है. लेकिन अंकल जो हैं वो तो खुश होंगे लेकिन बाकी पूरा घर जो है वो उनका सुकून तो उन्होंने तबाह कर दिया एक सिर्फ पिक्चर हैंग अप करने के लिए. पूरे घर को उन्होंने इधर उधर कर दिया. इसी वजह से इसका जो टाइटल भी है उसी तरह से है कि अंकल पॉटगर जो है वो एक पिक्चर हैंग करें और हैंग करते करते उन्होंने पूरे घर को ही हैंग करके रख दिया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.